एक बार की बात है, एक शहर में दो दोस्त रहते थे। वह दोनों समुंदर के किनारे शंखों के तलाश में गए। शंखों को बेचकर वह कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहते थे। पहले वाले दोस्त को शुरुआत में ही सबसे बड़ा शंख मिला, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दूसरे दोस्त को कहा, दोस्त, मुझे बड़ा शंख मिला है, इसे बेचकर हम ढेर सारे पैसे कमाएंगे। यह देखकर दूसरे दोस्त ने सोचा, मैं भी बड़े शंख को तलाशता हूँ ताकि मुझे भी ढेर सारा पैसा मिल सके। बड़े शंख की तलाश में उसे जितने छोटे शंख मिलते उन्हें वह पानी में फेंक देता और वह बड़े शंख को तलाशता रहता। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे बड़ा शंख नहीं मिला। वहीं पर पहले वाला दोस्त बड़े शंखों के साथ साथ छोटे शंखों को भी इकट्ठा कर रहा था। उसके पास ढेर सारे शंख हो गए थे। उन शंखों को लेकर दोनों बाजार गए शंखों को बेचने के लिए। बड़े वाले शंख के बदले में उन्हें 2,000 रुपये मिले। बाकी छोटे वाले शंखों के बदले में उन्हें 5,000 रुपये मिले। यह देखकर दूसरे दोस्त को पछतावा होने लगा कि ज़्यादा पाने के चक्कर में मैंने सब कुछ खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज़्यादा पाने की चाहत में छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक चिड़िया भी अपना घोंसला बनाने की शुरुआत छोटे छोटे तिनकों से करती है। हमें भी इनसे सीख लेना चाहिए।